सर, क्योंकि बहुत जरूरी है डिजिटल अरेस्ट। आजकल लगातार लाखों करोड़ों की ठगी जो हो रही है, और मकसद यही है उनका कि किस तरह से पैसा जो है वो निकलवाया जाए, और पैनिक दहशत जो है मचाकर किस तरह से इसे बचा जाए। और अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो कितने मामले जो है आपके संज्ञान में? जी, डिजिटल अरेस्ट, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, डिजिटल अरेस्ट नाम का चीज ऐसा है ही नहीं। कोई भी पुलिस ऐसा डिजिटल अरेस्ट करता नहीं है। जो आजकल ऐसा बना हुआ है, एक स्टूडियो टाइप सेटअप बना के, यूनिफॉर्म पहन के, वीडियो कॉल के जरिए लोगों को भ्रमित करके, डरा धमका के, फर्जी वारंट्स, समन्स, नोटिसेस दिखा के जो ये कर रहे हैं, हमारी ये रिक्वेस्ट है, ऐसे ये मतलब पब्लिक ये रियलाइज कर ले कि ये फेक है, ऐसा होता नहीं है, कोई भी एजेंसी ऐसा करती नहीं है। हमारे पास चंडीगढ़ में अभी तक इस साल जो है 6 मामले हमने डिजिटल अरेस्ट का दर्ज किया हुआ है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आपके जरिए मैं कुछ चीजें इस पे ये शेयर करूंगा कि जब भी ऐसा कोई कॉल आया, अनोनिमस कॉल, पहली बात तो अनोनिमस कॉल्स को एंटरटेन नहीं करना है, वीडियो कॉल्स स्पेशली। एंड कुछ मामलों में ये पाया गया है कि हम ट्राई से बात कर रहे हैं, करके कॉल करते हैं, आप IVRS के जरिए ये दबाइए, 9 दबाइए, 0 दबाइए करके ये करते, फिर वो आगे ट्रांसफर होता है, फिर हमारा ऑफिसर बात करेंगे, आपके नंबर जो है फलाना मोबाइल नंबर जो है इस मामले के साथ जुड़ा है। खास करके एक अभी एक जेट एयरवेज का कोई फ्रॉड है नरेश गोयल नाम से, उनके नाम का यूज इस्तेमाल करके उस मनी लॉन्ड्रिंग में आपका नाम आया है, आपके अकाउंट पाया गया है, आप अपना आधार कार्ड दिखाइए। उस तरीके से आप इतने हिप्नोटाइज करने वाले बातें वो लोग करते हैं, सो डराते हैं, एंड किसी के साथ शेयर भी नहीं करना है अपनी आइडेंटिटी एंड अपनी ये बातें ईडी या CBI या बाकी इंटरनेशनल एजेंसीज, सॉरी नेशनल एजेंसीज या NIA, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, इस तरीके से इस्तेमाल करके ये लोग करते हैं। तो इसमें जरूर एक बार उनकी बातों में आने से पहले, तो मान लो वो लोग ये बोल दे कि तुम्हारा बच्चा फलाना मामले में फंसा हुआ है, किडनैप कर दिया है, या कोई भाई ऐसा हुआ है, ये जरूर इंश्योर कर ले पहली बात उनकी बातों में एकदम आने से पहले। तो ये हमें चेक कर लिया तो आधा चीजें खत्म हो जाता है। एंड सस्पिशियस लिंक्स, सस्पिशियस इसको कम्युनिकेशन को, हमारा एक DOT की मदद से एक MHA ने भी एक पोर्टल डेवलप किया है, चक्षु पोर्टल। चक्षु पोर्टल संचार साथी में आपको मिलेगा। जो भी आपको कॉल के जरिए, SMS के जरिए या WhatsApp के जरिए जो भी इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, फ्रॉड कम्युनिकेशन, आप सस्पिशियस है तो आप उसमें अपने डिटेल्स डाल के वहां रिपोर्ट कर सकते हैं। वो इससे क्या होगा, आप तो खुद तो बची रहो, बाकी लोगों से भी टकने से बच सकते हैं ये रिपोर्टेज से। बाकी हम लोग भी लगातार अवेयरनेस के तौर पे हम लोग न्यूज़पेपर एड्स भी दे रहे हैं, एंड कल भी ऑनरेबल PM साहब ने भी अपने मन की बात में भी इस बात में बात करी है, चर्चा किया है। तो यही अपील रहेगा कि अनोनिमस कॉल्स को, अनोनिमस इसको ये लोग एंटरटेन ना करें, एक बार जरूर इंश्योर कर ले, ऐसा नाम की चीज है ही नहीं है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स, एंड बिकॉज डेटा भी कहीं ना कहीं से इनको प्रोक्योर हो जाता है। ये लोग 100-200 कॉल से एक दिन में कॉल कर लिया मान लीजिए, तो उनको 5-6 लोग भी फंस गया तो इनकी दिन बन जाता है। तो यही है कि अवेयरनेस इज दी ओनली दिस थिंग। लगातार ये लोग, हम वही कहते हैं ना, एक तो ग्रीड है, इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट का भी एक है, वो तो ग्रीड की वजह से, एंड ग्रीड, लस्ट एंड फियर, ये तीन चीजों को इस्तेमाल करके ये लोग जो भी साइबर क्राइम है इसको अंजाम देते हैं। तो यही अपील है, इस जाल में फंसे ना, एंड जो भी ऐसा करता है आप इमीडिएटली 112 पे या 1930 पे कॉल कर दीजिए, यानी कि ये ऐसा टोल फ्री नंबर, इस तरीके से फलाना पुलिस क्लेम करके ये लोग कर रहा है। इनफैक्ट इतना हद तक भी ये लोग गया है कि वेबसाइट को जाली वेबसाइट दिखा के, सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट जाली बना दिया मान लीजिए, उसमें भी नोटिस डाउनलोड करवा देते हैं, ऐसे प्रसंग भी आया है फिशिंग वेबसाइट्स बना के। तो ये सब नहीं होता है, आप जरूर 112 पे कॉल कर दिया, 1930 पे कॉल कर दिया, या नजदीक पुलिस स्टेशन जरूर विजिट करना। लीगली अगर हम बात करें, क्या प्रोटोकॉल है पुलिस का? जैसे आपने बताया कि कभी नहीं होता कि वीडियो कॉल करके कोई पुलिस ऑफिसर बात करेगा, ये तो सिंपल है। एक्चुअल में बाय चांस अगर किसी के साथ कोई अगेंस्ट किसी के कोई कंप्लेंट है, प्रोटोकॉल क्या कहता है, पुलिस क्या करती है? जी, पुलिस तो यही कहती है, एक नोटिस देते हैं हम लोग यूजली, जो भी 7 साल के अंदर के सजा वगैरह है उसमें यूजली नोटिस देते हैं हम लोग,
तो उसमें हमारा मतलब रहता है, जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन या जो भी इंक्वायरी ऑफिसर है उनके नाम वो रहता है, उनके नंबर भी रहता है उसमें। फलाना टाइम में आप फलाना जगह आके आप रिपोर्ट, ये आप लोग कहते हैं कि भाई उस फलाना पुलिस स्टेशन में आप आइए, तो डिजिटल रजिस्टर फोन के जरिए, स्टेटमेंट फोन के जरिए, ऐसा कुछ है ही नहीं, प्रावधान नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अभी इस तरीके से कर ही नहीं रहे हम लोग तो। एंड दूसरा, या तो पुलिस वहां जाती है, उनको मतलब पूछताछ करती है, समबडी इज अक्यूज्ड, उनको पूछताछ करके वहीं से उसकी अरेस्ट बनता है तो अरेस्ट करके लाएंगे, या सर्च वर्च करना है तो जुडिशियल जो भी प्रोसीजर्स है उसके हिसाब से चलते हैं। तो वीसी के जरिए अरेस्ट कर देना, रिलीज कर देना, इनफैक्ट इसमें आरबीआई का भी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले मतलब मल्टीपल टाइम्स में हम बैंक्स को भी, पिछली बार एक दो मीटिंग्स में बैंक ऑफिशियल्स को भी हमने ये जागरूक कराया है। बल्क में आरटीजीएस करते हैं लोग, बल्क में आरटीजीएस करने वाले स्पेशली सीनियर सिटीजन वगैरह से ये पूछ लिया जाए, भाई आप क्यों कर रहे हैं, ठीक क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कोई आप साइबर क्राइम का शिकार तो नहीं बन रहे जिस तरीके से हो रहा है। तो बैंक ऑफिशियल्स के साथ भी हमने ये शेयर किया हमारी एक्सपीरियंसेस जो हुआ है। तो ये कंसर्टेड एफर्ट है पब्लिक की तरफ से, पुलिस की तरफ से, या जो भी स्टेक होल्डर से। देखिए साहब, ये भी देखा गया है कि जो फ्रॉडस्टर हैं, जैसे केस स्टडी हमने किया है, उनको पूरी तरह से वीडियो कॉल पे रख लेते हैं 24 घंटे, और उनको कहते हैं होल्ड ही रखना है, आपने बैंक जाना है, वहां से अमाउंट निकालना है, एक बड़े शातिर तरीके से। तो ये आप सही कह रहे हैं, इनको तो स्काइप डाउनलोड करवाने के लिए कहता है, या व्हाट्सएप के जरिए भी कॉल कर रहे हैं, तो लगातार ऑन रखने के लिए बोलते, किसी के साथ शेयर नहीं करना है तो अदरवाइज विल अरेस्ट, ऐसा एक तरीके से हिप्नोटाइज कर रहे मान सकते हैं इनको। तो फैमिली मेंबर्स के साथ तो बिल्कुल कोई भी चीज शेयर कर लेना चाहिए, नजदीक पुलिस के मदद बिल्कुल लेना चाहिए, ऐसा डरना नहीं है, कोई भी ऐसा चीज है तो लीगल रिकोर्स है ही। एंड हम भी अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, जो भी केसेस रजिस्टर हुआ है यहाँ पे उसको सुलझाने में हम लोग। साइबर सेल में जो इनिशियली इन्वेस्टिगेशन हुई है, कुछ पता चला है ये कहाँ से नेक्सस चल रहा है, कुछ अभी तक कुछ जांच में सामने आया, क्योंकि आप तो लगातार इस पर काम कर रहे हैं, एक पूरा सेटअप तैयार करना, वीडियो भी दिखाई देती है कि 3-स्टार इंस्पेक्टर बैठे हैं और वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कुछ ही पूरा नहीं। अभी तो अकाउंट्स में जो पैसा जाता है यूजुअली ये थ्रू आउट द कंट्री हो रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं पहले जैसा ये झारखंड का है जी, बिहार का है, भरतपुर का, राजस्थान का, ऐसा होता था रूटीन में हॉटस्पॉट्स का, ये थ्रू आउट द कंट्री घुमा रहे पैसा, मतलब शेल कंपनीज वगैरह भी बना के। सो हर स्टेट का कुछ ना कुछ इसमें है, एंड अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है वैसे, तो ऐसा कुछ है तो आपसे हाँ शेयर करेंगे।